एक क्वेश्चन रह गया था कल जो तुमसे पूछा था मैंने कि ट्रेवल क्यों करना चाहिए, तो अभी जो लोनाक्षी है वो मतलब उसका एक पॉइंट रह गया था। समथिंग अबाउट ट्रेवल क्यों करना चाहिए, शशांक वाज सेइंग अबाउट बजट ट्रैवलिंग। सो हाँ, बजट ट्रैवलिंग बहुत इजी होती है। तो लाइक एक वीक के लिए तुम कहीं भी जा रहे हो तो तुम्हारे ऊपर है, तुम्हें होटल्स जाना है या हॉस्टल। सो यू नो दैट होटल्स में भी एक्सपेंसिव एंड हॉस्टल्स में भी चीप। सो यू इफ यू वॉन्ट टू ईट इन रेस्टोरेंट्स और ढाबा, सो ऑब्वियसली ढाबा विल बी चीप। सो यू कैन प्लान इट आउट लाइक दैट। लाइक आई वेंट टू फर्स्ट ट्रिप, लाइक आई वेंट टू मुक्तेश्वर फॉर 10 days, आई वॉज देयर फॉर 1 week। सो आई स्पेंड जस्ट 10,000 फॉर अ वीक, एंड आई हैव मेट पीपल हु स्पेंड लाइक 30,000 a week. So it's basically upon you. It's like you can manage your budget if you really wish to travel. यार ऑलमोस्ट हमने ट्रैक कर लिया, घूम लिए, अब लग रही है भूख बहुत तेज। खाने आए हैं, बहुत ही क्यूट है और कैफे बहुत अच्छा है। अगर आप आओ तो यहाँ पे आ सकते हो। इसका भैया ऐसा है, सुनो कोई नहीं है, कुछ फ्री नहीं खिलाया जा रहा हम लोग को। हाँ ठीक है, आना है तो आ जाओ, ढूंढ लेना अपने आप। हाँ कैफे सच में बहुत क्यूट है, व्यूज दिखाऊंगी तुम्हें। तो फिलहाल के लिए क्यूमटी है ये, क्यूमटी इधर तक देख लिया ना वीडियो पूरा, अब आगे का और दिखाते हैं। पहली बार मेरी तारीफ की, तो कसार अच्छी लगी, कसार देवी चल रहे हैं, चलते रहो साथ में। चलो आओ आओ, आओ, आओ खाना वाना खाया खा लें फिर चलते। सुंदर लग रही है सब लोग, बहुत ज्यादा, ये कुछ ज्यादा अच्छी लगी है। अरे कैमरा है वो अच्छा नहीं, वैसे भी वो अच्छी है यार। और ये मेरी जैकेट मेरे पे अच्छी लगती है, ये मेरे को गिफ्ट कर दिया फिलहाल तो मेरा। वीडियो में मारे जाओगे। चलो बाय। 12 बज गया भाई, पूरा बिगड़ा हुआ है तो पूरा 12 बज गया। यहाँ पे भाई लोग कर रहे हैं मजे और हमारा खाना आ चुका है, लेकिन अभी किसी को भूख नहीं है। ये देखो पूरी वाइब एंजॉय कर रहे हैं भाई लोग यहाँ पे और देख सकते हो मजा ही मजा है। बाकी सुबह का व्लॉग आपने देखा, उसके बाद डायरेक्ट अभी ये है, आप कल सुबह मॉर्निंग में जाएंगे विस्तार वैली, उसका दिखाएंगे। तो गाइस अभी आ चुके हैं हम लोग बिनसर वैली के गेट पे, और ये जो गेट है यहाँ पे होता है रजिस्ट्रेशन। 150 रुपये पर पर्सन है इंडियंस के लिए, और इसके अंदर फिर हम लोग जाएंगे। पीयूष ये खड़ा हुआ है और हॉर्न वगैरह नहीं बजा सकते अंदर। अंदर पूरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, अंदर आपको जानवर वगैरह देखने को मिलते हैं। पीयूष हॉर्न ही बजाना है और कुछ बोलेगा तो बोल। एक्सपीरियंस अच्छा होना चाहिए, और बाकी अगर हम लोगों को कुछ अच्छा मिल गया देखने को, लाइक कोई जानवर वगैरह बढ़िया, तो हमारा गुड लेपर्ड वगैरह अगर मिल जाता है तो वो हमारा गुड लक रहेगा। फिलहाल यहाँ से रजिस्ट्रेशन करवाएंगे, 150 रुपये उसका जाएगा, और बाकी आपको हम अपडेट देते रहते हैं। बाकी ऐसा कुछ है नहीं, बाकी सब आपको इंटरनेट पे मिल ही जाएगा। हम जस्ट अपनी जो मेमोरीज क्रिएट कर रहे हैं वो दिखाएंगे आपको, और अपना एक्सपीरियंस बताएंगे, और आगे क्या करना है और क्या नहीं करना है वो भी बताएंगे। बाकी ट्रैवल करो भाई, अगर नहीं करते हो डिप्रेशन से बाहर आ जाओगे, गलत हरकतों से बाहर आ जाओगे, बहुत ज़रूरी है। भाई की बात जरूर मानना भाई, ठीक है। तो गाइस अभी पूरा 10 किलोमीटर का हमने जंगल जो है पूरा क्रॉस कर लिया है, और बहुत घना जंगल, और एक मेरे को लेपर्ड दिखा था, और जो पीछे मतलब पहाड़ी के पीछे बैठा हुआ था, पहाड़ी के पीछे नहीं, हम जिस रास्ते जा रहे थे उसी पहाड़ी के बगल में बैठा हुआ था, जैसे ये रास्ता है और इस जगह वो बैठा हुआ था। तो भाई इसने नहीं देख पाया, मैंने इसको दिखाया कि देख देख देख, तो ये नहीं देख पाई, वो तो बाइक चला रहा था, तो फिर मैंने तो उसको बोला नहीं, ठीक है। लेकिन हाँ मेरी हालत भाई उस टाइम बहुत ख़राब हो गई थी। फिलहाल अभी हम लोग आ चुके हैं ये 0 पॉइंट, ठीक है, ये बोर्ड लगा हुआ है 0 पॉइंट यहाँ से। हाँ हाँ दिखा रहा हूँ, तेरी बाइक भी दिखा रहा हूँ, ये इसकी बाइक, भाई बहुत अच्छी चला रहा है। 0 पॉइंट के लिए यहाँ से ट्रैकिंग 2 किलोमीटर की है, ये पूरा रास्ता था पूरा 12 किलोमीटर का। तो भाई मेरे को लेपर्ड दिखा, मेरी तो हालत हो गई है ख़राब। अब चलते हैं ऊपर की तरफ और देखते हैं 0 पॉइंट पे भाई क्या है। और ट्रैकिंग कुछ इस तरीके से है, मैं आपको दिखाऊँ, ये पूरी एक तरीके से ऑफ रोड कच्ची रोड कह सकते हो, और ये गेट बना हुआ है आप, और ये वाला गेट जो है वो बंद है, जो बड़ा वाला है। और अगर आपको मैं दिखाऊँ यहाँ का जो बोर्ड है, बिनसार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और 0 पॉइंट के लिए ये यारो, और यहाँ से हम लोग करेंगे। राइडर हमारा खड़ा हुआ है, लोनाक्षी भी एकदम रेडी है चलने के लिए, तो चलो गाइस चलते। नहीं तो गाइस अभी हम लोगों ने कर दिया ट्रैक स्टार्ट, और ट्रैक कुछ इस तरीके का है, मतलब कच्चा रास्ता है पूरा 2 किलोमीटर का, और पीछे मेरे नंदा देवी की यहाँ से पूरी पीक दिख रही है। अभी यहाँ पे बादल हो गया, अभी इससे मतलब 1 मिनट पहले बहुत अच्छा व्यू था। और कुछ ट्रैकिंग ये है, चाबी लगी रह गई भाई। अबे यार इतना लापरवाह लड़का है यार, कभी चाबी छोड़ देगा बाइक में, कभी फोन छोड़ दे। तुम्हारा बदला लिया मैंने इससे, तोबा तोबा तोबा, थारा मूड खराब कर दिया भाई। फाइनली जो 0 पॉइंट है वो आ चुका है, कुछ ये पेंटिंग वगैरह बनी है यहाँ पे, बट अभी खत्म हो चुकी है। और यहाँ पे ये गार्डन वगैरह, ये एरिया यहाँ पे बैठ सकते हो, और ऊपर जाके जो व्यू मिलेगा ना हमें भाई,
बहुत ही शानदार, बहुत ही खतरनाक। मैं दिखाऊंगा अभी आपको पंचाचुली, जो आपने मुनस्यारी में देखा होगा, मतलब मैं फोटो डाल दूंगा बेसिकली। तो यहाँ से है 200 किलोमीटर मुनस्यारी, ठीक है, और यहाँ से मुनस्यारी की जितनी पीक्स हैं सब एकदम क्लियरली विजिबल हैं और बहुत अच्छा व्यू है। मैं ऊपर जाके आपको दिखाता हूँ अभी। बादल हट जाए, यहाँ पर कैंपिंग नहीं कर सकते क्योंकि वहाँ पे डेंजर है। तो पीछे का आपने अभी व्यू देखा भाई, कितना खतरनाक है। थोड़ा बादल वगैरह आ गए हैं, अगर वो हट जाएंगे तो और अच्छा व्यू हो जाएगा। और फिलहाल तो यहाँ पर मतलब ज़्यादा कुछ खास नहीं है, यही है इतना। और सामने की तरफ आप बैठ सकते हो, पूरा नीचे को बना हुआ है, कोई ज़्यादा लोग है नहीं। हम यहाँ पर 3 लोग हैं और एक भैया अकेले आए हुए हैं। तो मेरे को जगह ठीक है, वर्थफुल है। और अगर ये बादल वगैरह हटते हैं एक बार से, तो मैं रुका था बहुत दूर नहीं है, तो मतलब इसका मतलब यहाँ से जैसे विद इन 4 to 5 hours है वो। उधर जो वाइब चल रहे हैं, इट इज एब्सोल्युटली क्रेजी। सो हाय गाइस, 0 पॉइंट के बाद अब हम लोग आ गए हैं कसार देवी। अभी हल्की हल्की बारिश आ गई थी इसलिए ये मैंने पहन लिया है। फिलहाल अब मैं नीचे कर लेता हूँ। अरे बाल बहुत बुरे आ रहे हैं यार। और पीछे आप मेरे देख सकते हैं वहाँ पर पंचाचूली, लेकिन आप नहीं देख पाएंगे। फिलहाल अभी हम यहाँ पे मंदिर जा रहे हैं और ये पूरा ट्रैकिंग करके जाना पड़ेगा मंदिर, कसार देवी का जो टेम्पल है। तो चलिए आज आपको हम मंदिर घुमाते हैं कसार देवी का। बंदर यहाँ पर काफ़ी सारे हैं तो आपको बंदरों से बचना पड़ेगा। और दूसरी चीज़ ये है, कोई भी खाने पीने की आप सामान यहाँ पर अगर आप लाएँ तो हाथ में ना रखें, अपने पॉलीथीन या फिर बैग में रख लें, बंदर है कभी भी झपट्टा मार सकते हैं। और फ़ोन वोन का भी आप काफ़ी ध्यान रखें। तो अभी हम लोग चलते हैं ऊपर की तरफ, मैं आपको दिखाता हूँ मंदिर। ये लोग जा रहे हैं, यहाँ पर भी भाई वैसा ही है मुक्तेश्वर वाला। चाहे आप सीढ़ियाँ चढ़ें, चाहे आप पीछे से ट्रैक करें, तो जैसे चाहे आप आ सकते हैं। ये लाइन पीयूष ने ही बोली है, हाँ मैंने कॉपी करा है, अभी लोनाक्षी बोल रही है, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, तो ऊपर काफ़ी सारे बंदर हैं, आप देख सकते हैं चट्टान पर बैठे हुए। आप नहीं देख सकते क्योंकि इसमें दिख नहीं रहे, ऊपर मैं पहुँच कर आपको दिखाता हूँ। वो पूरा सामने अल्मोड़ा शहर अगर आप देख पा रहे। तो अभी ये जो मेन मंदिर है, मैंने इसके अंदर दर्शन वगैरह किए हैं। एक्चुअली अंदर फोटो वगैरह खींचने अलाउ नहीं था, तो अंदर मैंने वीडियो नहीं बनाई है। चल रहे ऊपर? हाँ चल रहे हैं। मेरा वॉलेट मार रखा है। ठीक है, लेकर आओ। तो एक्चुअली क्या था, पहले जो पहाड़ है ना, पहले इस पहाड़ की पूजा होती थी। तो फिर उसके बाद ये बहुत पुराणों की माने, तो फिर जब माता ने अवतार लिया, फिर राक्षसों को मारा, उसके बाद जो है अंदर फिर माता जी की मूर्ति स्थापित हो गई है फिलहाल तो अब। और बहुत अच्छी मूर्ति है, बहुत अच्छा सुंदर मंदिर बना है। और सामने महादेव का टेंपल, वो आप पीछे देख सकते हैं। तो हम वहाँ पर भी जाएंगे, ये सीढ़ियाँ बनी हुई ना, तो इनसे हम महादेव के टेंपल पर जाएंगे। तो पहले आप माता के दर्शन करते हैं, हम लोग हमने मतलब कर लिए हैं। ये जो गेट बना है यहाँ से जाते हैं अब हम लोग महादेव के टेंपल। मैं आपको वो वाला टेंपल दिखाता हूँ कैसा है, चलिए। तो ये मेरे पीछे आप देख रहे हैं, ये है महादेव जी का टेंपल। और नीचे जो वो आपने मंदिर देखा वो था माता कसार देवी का। तो अभी हम लोग बस ट्रैक करके आए, ये सीढ़ियाँ बनी हैं, ठीक है, 100-200 सीढ़ियाँ थी। उसके बाद फिर हमें ये बहुत खूबसूरत सा महादेव का मंदिर मिला है, अंदर चल के दर्शन करते हैं। वही है, इसके अंदर भी आप वीडियो फोटो नहीं बना सकते, तो यहीं पर ही बनाना है। तो ये पूरा परिसर है और मंदिर शायद बंद नहीं हुआ है अभी, तो 6:30 ही हुआ है अभी टाइम। तो ये यहाँ पे पूरा परिसर वगैरह, यहाँ पे हवन वगैरह होता है। और ये नंदी जी की शायद मेरे ख्याल से, हाँ नंदी भगवान की ही लगी हुई है, जैसे आपने देखा होगा वहाँ जागेश्वर में लगे हुए हैं, तो उसी के काइंड ऑफ वैसा ही लगा हुआ है फिलहाल। और एक मंदिर वहाँ पर है छोटा सा, ओ ये बहुत सुंदर सा मंदिर बना है। बाकी चारों तरफ अगर आप देखें मेरे, तो सामने वो अल्मोड़ा शहर दिखाता हूँ मैं, ये सामने पूरा अल्मोड़ा शहर। सो बेसिकली आपको पता ही ना, हम लोग गोल्ड स्टॉप में ट्रेवल कर रहे हैं। गोल्ड स्टॉप है क्या? गोल्ड स्टॉप एज अ हॉस्टल्स है, जो कि हम जैसे ट्रेवलर्स, सोलो ट्रेवलर्स को रुकने के लिए एक सर्विस प्रोवाइड कराता है, जिसमें हम बहुत कम पैसे में स्टे कर सकते हैं। चीप एंड बेस्ट। हाँ, तो ये 400 and 500 लाइक, अब हम पूछे तो 1000 रुपये में आपका दो दिन 1100-1100 रुपये में 2 दिन आराम से आपका स्टे हो जाएगा। और अगर आप स्टे आपको खाना पीना उसमें अलग से लेना पड़ेगा। मगर अगर मैं आपको बताऊँ कि पूरा ओवरऑल तो 2000 to 3000 रुपये दिन पर सिंगल पर्सन फॉर 2 or 3 days खाना पीना। सिंपली अगर पूछूं मेरा क्या व्यू है ट्रैवल के लिए, तो ट्रैवल बेसिकली, अब जैसे ये जो है इनको मैं नहीं जानता था कौन है ये लोग, दे आर अननोन। तो
ट्रैवल से ही मुझे दोनों लोग मिले। अब ट्रैवल से क्या हो रहा है, कनेक्टिविटी बढ़ रही है, लोग मिल रहे हैं, सबको नहीं कैप्चर करना है, कुछ लोगों को ही पकड़ना है। जैसे कि ये ट्रैवलिंग करता है, इसके पास ज़्यादा एक्सपीरियंस है, ये ट्रैवलिंग करती है, अभी ये लद्दाख से आ रही है, तो मतलब ये इसका लास्ट ट्रैवल कहाँ का था? लास्ट वीक मैं तो आगरा गया, ये आगरा का था। तो ऐसे ना कहीं के पॉइंट्स हम लोग को मिल जाते हैं, व्यूज मिल जाते हैं, इन्फॉर्मेशन मिल जाती हैं। तो हम लोग का टारगेट जो है ना इंडिया को ट्रैवल करना, वो भी ऑलमोस्ट हम लोग कवर कर लेंगे साथ ही साथ में। तो ट्रैवल करना इसलिए अच्छा है कि आप अपने कल्चर को जान पाओगे, नई नई चीज़ें समझ पाओगे, और जितना आसान कर पाओगे अपनी ज़िंदगी को। अपना कल्चर तो सबको पता है, दूसरे के कल्चर को जानना। एग्जैक्टली। और आपको पता है चीज़ कि आप ना एक जगह पे रह करके अपने आप को अपडेट नहीं कर पाओगे, आपको बाहर निकलना पड़ता है। खासकर ये पेरेंट्स के लिए लाइन है कि आप लोग भी ट्रैवल करो और अपने बच्चों के साथ उनको जाने दो कि जाओ आप ट्रैवल करके आओ। इज़ ऑल्सो सिंगल चाइल्ड, ऑल्सो सिंगल चाइल्ड। अब इनके मम्मी पापा कैसे भेज रहे होंगे सोचो, तो उन्होंने अपने आप को अपडेट किया ना, तो आप भी अपने आप को अपडेट कर सकते हो। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो और आप एक पेरेंट हो, तो अपडेट करना बहुत ज़रूरी है बच्चों को, और कॉन्फिडेंस उनके अंदर आपको लाना पड़ेगा, ना कि वो खुद ले आएंगे, आपको लाना पड़ेगा कि हाँ तुम जाओ ट्रैवल करो। बस ट्रस्ट बिल्ड करना होता है अपने पेरेंट्स के साथ कि यू आर अपडेटिंग देम अबाउट योर लोकेशन, वेयर आर यू, विद होम यू आर, सो इफ यू आर अपडेटिंग देम देन दे विल बी फाइन विद यू। तो लस्सी पियो उसके साथ, लस्सी पीते हम लोग। तो गाइस डिनर वगैरह करके आ चुके हैं, रात हो गई है बहुत ज़्यादा, और अभी आप सोच रहे हो कि मैं कहाँ बैठा हूँ, तो मैं बैठा हूँ एक तो आपको बता दूं ये जो होटल का रूम है, और ऐसा कुछ प्लान नहीं था कि आज हम स्टे करेंगे, एक्सटेंड आज क्यों किया क्योंकि एक बहुत अच्छी फैमिली मिल गई थी, उनके दोनों छोटे छोटे बच्चे थे, उनसे मिलकर हमें बहुत अच्छा लगा। तो ये है पीयूष, ये लेटर हुआ है पीयूष, और लोनाक्षी भी अपना ऑफिस का थोड़ा काम कर रही है, जब तक मैं ब्लॉग एडिट कर रहा हूँ ये अपना ऑफिस का काम करती रहेगी। तो तेरे को कैसा लगा? बहुत ही अमेजिंग, दी अनएक्सपेक्टेड सरप्राइजिंग, अच्छा ट्रिप था बहुत। तू भी आजा, एडवेंचरस। तो ये सब नहीं, ये सब नहीं, ये सब देखो चोरी कर रहा साला, बल बल निकाल के ले। अरे भाई बल आराम से, हाँ जल गया, घर में है नहीं मेरे। हाँ तो ले जल्दी जल्दी जाए, हाँ और रुक जा एक काम कर, वो एक सेकंड भाई 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 भाई, तकिया तकिया अंदर रख ले, बहुत बढ़िया। ये पंखा रखना है, पंखा रखना है, सही है ना भाई? हाँ, ये पंखा रख, पंखा रख, पंखा भी रखना पड़ेगा, पंखा पूरा रख ले। ये टीवी उठा ले, टीवी उठा ले, टीवी ये गद्दा उद्दा सब उठा। हाँ टीवी टीवी निकाल ले, रुक जा रुक जा, पहले प्लग निकाल दो, निकाल ले निकाल ले, निकाल लेंगे। हाँ चल ठीक है, ठीक है भाई, चलो ठीक है भाई, सब कुछ। हाँ इधर इधर इधर, ये क्या है, तकिया भरा है। मैं इससे कुछ पूछ रहा था, तो हम लोग कितने दिन के लिए आए थे? सिर्फ एक दिन के लिए आए थे, और तीन चार दिन उनको साथ में हो गए, तो बहुत अच्छा लगा। बस कुछ ना कुछ नया नया हर दिन हो ही जा, हर दिन नया हो जाता है, हर दिन नए लोग मिलते हैं, और हर दिन कुछ नया एडवेंचर। जैसे आज मेरे को लेपर्ड मिला, बट इसने नहीं देखा, और इसने हमें पूरे दिन डराया उस लेपर्ड के लिए। या मेरी फटी पड़ी थी, मैं क्या करता, पर इतनी दूर बैठा था वो, और लेकिन अगर कुछ डरावना देख भी लिया तो औरों को क्यों डराना? तो मेरी फट रही थी इसलिए मैंने औरों की फाड़ी। और हाँ अब ये बता, अगला ट्रिप हम कहाँ जा रहे हैं, बता तो दे। अगला ट्रिप हम हिमाचल में कहीं प्लान करेंगे, अभी डिसाइडेड नहीं है, मतलब अभी सिसु लिस्ट में है, लिस्ट में है सिसु, सिसु है क्योंकि वो क्राउडेड कम है, और मनाली जैसा मतलब थोड़ा कमर्शलाइज नहीं है। तो मिलते हैं सिसु के व्लॉग में आपसे। गुड मॉर्निंग गाइस, आज है डे 4 और सुबह सुबह ऑफिस में लग गई है, और पीयूष हमारा जो भी ऑफिस कर रहा है, विवान और क्या नाम था उसका, वंशी का, और कुछ इस तरीके के नज़ारे। ये हमारी बालकनी, और ये काम कर रही है, बहुत बहुत काम करती है, लैपटॉप फ़ोन सब एक साथ चलाती है, बहुत टैलेंटेड है ये। तो भाई ये लोग जा रहे हैं दिल्ली, पीयूष और मीनाक्षी। मैं अल्मोड़ा के बस स्टॉप पे रुक गया हूँ, तो इन्होंने मेरे को कर दिया ड्रॉप, और मिलते हैं हम लोग अगले ही लोकेशन पे, जो कि हो गई हिमाचल, हिमाचल 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 प्रदेश में। चल ठीक है भाई, आराम से जियो, अबे ओए बदतमीजी नहीं, चल ठीक है, बाय मीनाक्षी। और गाइज मैं आपसे मिलता हूँ इसके नेक्स्ट व्लॉग में, और तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करो और लाइक कर दो ये व्लॉग, और बताना कैसे लगा। हालांकि दो पार्ट में थी ये वीडियो।